जनपद के लिए जिले की बात की जाए तो तीन जनपद पंचायत क्षेत्र मुंगेली, लोरमी, पथरिया में से मुंगेली और पथरिया जनपद में बीजेपी ने और लोरमी में कांग्रेस ने कब्जा किया है। मुंगेली जनपद पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में कुल 25 सीटों में से 15 मत बीजेपी के पक्ष में तो 9 कांग्रेस के पक्ष में पड़े, जबकि एक मत अवैध घोषित हुआ, जिसके बाद कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ममता राजू साहू को हरा कर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी गायत्री रामफल साहू ने अध्यक्ष पद पर वो निर्वाचित हुए हैं। तो वही उपाध्यक्ष चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी पवन पांडे 17 मत उनको प्राप्त हुए, विजयी हुए हैं, जिसमें कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी कुलेश्वर बारमते को 8 मत ही प्राप्त हुए। जिला पंचायत भी वोट देकर कांग्रेस मुक्त करेंगे यहाँ से, ये पूरा हमको विश्वास है। कल जिला पंचायत भी हमारी जीत होगी, इसके लिए हम सभी कार्यकर्ता बंधुओं और साथ में प्रत्येक या प्रत्यक्ष रूप से सभी मतदाताओं का भी आभार है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अपना समर्थन व्यक्त किया है। सभी को साथ लेके जिस प्रकार से मैंने 10 साल में सभी को साथ लेके चला, सभी को पुनः साथ लेकर चलेंगे और विकास की एक नई गंगा हम मुंगेली क्षेत्र में बहाएंगे। लगातार